रोल कैमरा वक्रतुंड महाकाय सूर्योति समर्पणं विघ्नं कुरु देवेषु सर्वदा कल्पद्यप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया शरीर कथभदं सदाते रमेशो गणेशो जरीजतिघ्नात्मदीयान्नरी नतुमानि मंगलमूर्ति हर हर महादेव सुशंभु गणेश भगवान की जय शक्ति माता पराम्बा की जय चलो हाँ फोटो 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 कर लो। बड़ी बात आपने कही कि पहली बार पुलिस इंस्पेक्टर प्ले करेंगे क्या आप और उसके लिए क्या तैयारियां की रवि यादव ने इस फिल्म के लिए क्या तैयारी की उन्होंने बहुत तैयारी है करीब हम लोग 15-20 दिन साथ में थे हम और डायरेक्टर साहब तो स्क्रीन प्ले से लेकर डायलॉग डिलीवरी से लेकर क्या स्टोरी है उसकी क्या शानदार तरीके से कैसे शूट करना एक्शन पर काम करना डांस पर काम करना सॉन्ग्स पर काम करना तो बहुत तैयारियाँ की है। क्या होता है कि एक फिल्म होती है जिसके लिए आपको जी जान लगाना पड़ता है yes. फिल्म सफल होती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक हीरो की मेहनत नहीं होती है हीरोइन की मेहनत होती है डायरेक्टर की मेहनत होती है प्रोड्यूसर की मेहनत होती है उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारी जो भगवान रूपी जनता होती है वो उनके हाथ में होता है। हम लोग सिर्फ मेहनत करते प्रयास करते कि अच्छा काम कर पाए अच्छी मेहनत कर पाए। मधु पहली बार आप रवि यादव के साथ काम कर रहे हो सही कह रहा हूँ मैं आप एक्साइटेड हो और आप मैं पूरे यूनिट के साथ पहली बार काम करने वाली हूँ और आई एम सो एक्साइटेड। मैंने बोला ना मुझे शॉकिंग न्यूज़ मिला कि मुझे आना है और रातों रात टिकट मिला और किसने कॉल किया आपको रवि जी ने कॉल किया और मुझे शौक हो गया है ऐसे ही आना है कोई शेड्यूल तैयार नहीं तो बोले कि आप शायद नहीं करना चाहते। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं मुझे मैं करना चाहती हूँ तो सब अचानक हुआ और होता है ना कि अचानक किए हुए काम बहुत अच्छा होता और है अच्छा होता। और आई होप कि सब लोग मिलके अच्छा काम हम लोग करेंगे। जी रवि भाई आप इनके साथ पहली बार काम कर रहे हो आप क्या कहते हो? हम लोग बीच में एक एल्बम का प्लान किए थे हम लोग साथ में करने का लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाए कोई किसी और ने किया। हमारी इनसे पहली बार तब बातचीत हुआ था मुलाकात हमारी पहली बार मुझसे फ़ोन पर बातचीत हुआ है। इनके साथ काम करना है तो बहुत अच्छा लगेगा आप भोजपुरी के स्टार हैं और बहुत मेहनत करके आप आगे बढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा इनके साथ काम करके और चीज़ वेरी डाउन टू अर्थ और मतलब कि जो नेचर है इनका मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत प्रभावित किया पूरी टीम को बहुत प्रभावित किया मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बहुत तारीफ भी किया तो मुझे नहीं लगता कि लोग किसी के बारे में क्या बोलते हैं पर्सनली आप किसके बारे में क्या जानते हो वो मैटर ज़्यादा करता है मेरे लिए। हेमराज सर आपकी नई फिल्म शुरू हो रही है जयदेव मैं चाहता हूँ आज मुहूर्त किया गया तो सबसे पहले आप फिल्म के बारे में मुझे बताइए। चल मैं ये जो भोजपुरी फिल्म है जयदेव और बट इसको मैं मेकिंग जो मेरी है वो जस्ट लाइक साउथ स्टाइल में रहेगा कुछ और कोशिश कर रहा हूँ कुछ बेहतर करने का सस्पेंस थ्रिलर है और अभी तक जो भोजपुरी फिल्में बन रही हैं उनसे अटके हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मेरा तो बहुत बेहतर करने की कोशिश है प्रयास है हमारा और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आप खुद ही देखेंगे हमने क्या उसमें प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ खड़े दो खूबसूरत कलाकारों से हमें मिलवाएं। मेरे बगल में जो खड़ी हैं ये मधु जी शेखर मधु जी और ये हमारी एज ए लीड एक्टर हीरोइन और रवि जी खड़े हैं। हेलो रवि एक्चुअली मैं देव का करेक्टर रवि जी कर रहे हैं इनके अपोजिट जो है जीतु सिंह जी हैं जो किसी विलम्ब वर्ष अभी नहीं पहुँच पाई हैं और आ रही हैं वो रास्ते में बाकी त्रिसागर जी हैं ये देव सिंह के अपोजिट हैं और बहुत अच्छा करेक्टर है दोनों का पहला। वाओ बहुत बढ़िया। हेलो मधु हाउ इज़ यू? आई एम फाइन और बिंदास भोजपुरिया और सारे मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और मैं अचानक मतलब शॉकिंग न्यूज़ था मेरे लिए कि ऐसे अचानक आना है और करना है कोई शेड्यूल मेरे दिमाग में था नहीं और मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली लेकिन आई एम बी हैप्पी कि मैं इस मूवी के अहम हिस्सा कर रही हूँ अभी करने वाली हूँ और आज मुहूर्त हुआ और मैं हैप्पी हूँ कि सारे लोग बुलाए मुझे और इसमें मुझे शामिल किए और मैं चाहती हूँ कि इसमें अच्छे से अच्छे काम करूँ और अच्छा कैरेक्टर पेश कर पाऊँ। ग्रेट ग्रेट। हेलो रवि यादव हेलो कैसे हैं आप? नमस्कार मैं हूँ रवि यादव और आप सबको नमस्कार है जी सर। रवि भाई मुबारक हो नई फिल्म जय देव तो मैं जय से रूबरू हूँ जी। जय भाई बताइए अपने बारे में। देव से रूबरू हूँ सॉरी देव से रूबरू हूँ हाँ जय साहब तो
देव सिंह प्ले कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या किरदार है बेसिकली इसमें फिल्म में? ये जो फिल्म है फुल एक्शन फिल्म है और मेरा अलग रूप आपको देखने को मिलेगा। आगर स्वा किया था उसमें अलग रूप था, गंगा गीता किया उसमें अलग रूप था। जयदेव मेरे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ हमारे इस फिल्म के जो डायरेक्टर है मिस्टर हिंगराज वर्मा जी का, थैंक यू सो मच। उसके बाद इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर डी के तिवारी जी, जो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, पूरी टीम को सपोर्ट बहुत करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और ये फिल्म जो है बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इसका, और मेरा किरदार जो अब तक मैंने पेश नहीं किया है, मेरा किरदार इस फिल्म में आज पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार है। आप जब देखेंगे ये सिनेमा, जब इसका ट्रेलर आएगा तो आप शॉक्ड रह जाएंगे कि भोजपुरी में युद्ध दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले परिचय करा लीजिए, आप थोड़ा फ्रेम में आइए। ये आप लीजिए, ये मनीष जी हैं प्रोड्यूसर, अभी उन्होंने एक फिल्म बनाई है समर जी को लेके, फिल्म बनाई कांटे, कांटे बनाई है। तो अभी आप क्या बोलने वाले हैं हमको पता ही नहीं था। हाँ बोलिए एक बार फिर से बोलिए। हाँ जी, मैं रवि जी को रामा युद्ध में लॉन्च कर रहा हूँ नया प्रोजेक्ट। वाओ ग्रेट ग्रेट, मेहनत कर रहे हैं भाई हमारे, रवि भाई मुबारक हो। दिसंबर में जो है हम इसको शूट करेंगे। वाओ, देखिए एक कलाकार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक सेट पर एक फिल्म अनाउंस हुई और दूसरी आपको यहीं पर गिफ्ट में मिली। ये मनीष भैया का प्यार आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझ पर बिलीव जताया, मुझ पर भरोसा किया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके भरोसे पर खड़ा उतरूं। और फिल्म का नाम बताया था रामायुद्ध भी जब आएगी तो ब्लास्ट करेगी। लेकिन थैंक यू सो मच मनीष भैया, थैंक यू सो मच। तो मधु को भी रख लेते, इनमें क्या बुराई है? नहीं, इसमें पूरी टीम शायद हो सके इसमें मधु के लायक लेकिन किसी वजह से हो गया आगे पीछे। तो बुलाया था इनको, कांटे में बुलाया था, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें हो गई ना। चलिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू आप सबको, थैंक यू। बारे में मुझे बताइए कि फिल्म आप लखनऊ में आप लोगों ने मुहूर्त किया, नवरात्रि के पहले दिन मुहूर्त किया, क्या पूरी फिल्म यहीं शूट की जाएगी? पूरा शूट यहीं लखनऊ कर रहा हूँ और अलग अलग लोकेशंस हैं लखनऊ में ही हैं, तो टोटल पूरा प्लान हमारा लखनऊ में शूट करने का। जी हेमराज जी, हीरो के तौर पर रवि यादव फिल्म को लीड करेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? एक्चुअली जो करेक्टर था सर, तो मुझे लगता था, मैं बहुत सर्च किया था किसको मैं लिख सकता हूँ, पुलिस ऑफिसर कैसा बनना होना चाहिए जिसमें एक क्षत्रिय टाइप का करेक्टर है, मतलब पुलिस ऑफिसर कम क्षत्रिय टाइप पर ज़्यादा था। तो मैंने रवि की पर्सनैलिटी देखी, इम्प्रेस हुआ मैं, और काम भी देखा उससे भी इम्प्रेस हुआ, तो मैंने डन कर लिया रवि। अच्छा, रवि की जो पहली जो फिल्में हैं अभी फ़िलहाल, वो एक के बाद एक बैक टू बैक रिलीज़ पर है, पांचवी फिल्म है रवि यादव की जो कि आप लोग कर रहे हैं, क्या और भी फैक्टर्स थे रवि यादव की पर्सनैलिटी के साथ साथ, क्या आपने उनके अभिनय को भी जानने की कोशिश की कि भाई? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप एक अच्छी फिल्म बनाइए अच्छे आर्टिस्ट के साथ, बाकी तो एक्स्ट्रा चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। नहीं, मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, मुझे मुझ पर इतना बिलीव जताने के लिए सिर्फ हिमरा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मुझ पर इतना ट्रस्ट किया। जब एक डायरेक्टर हीरो के ऊपर पूरा ट्रस्ट कर लेता है तो उसके काम करने का जज्बा बढ़ जाता है, वो स्ट्रेस कम फील करता है कि एक डायरेक्टर जो होता है फिल्म का भगवान होता है, जब भगवान हमारे साथ में होता है तो मुझे लगता है काम अच्छा होता है। और बस उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा सर आपको कि आपने मुझे चूज़ किया और आपके डायरेक्शन में काम करने का मौका मुझे मिलेगा, और ये फुल एक्शन फिल्म है, ये थिएटर में फिल्म जरूर लगेगी, और मुझे विश्वास है कि ऊपर वाले का विश्वास है ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। हाँ, दर्शकों का विश्वास है। अब तिशा जी ने बोल दिया तो फिर क्या बात है, प्यार देना पड़ेगा। त्रिशा जी, आप लखनऊ आई, यहाँ ऑडियंस का क्या इतना प्यार आपको मिल रहा है जो आपके चाहने वाले हैं, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक काफ़ी मिल रहा है? मैं बहुत खुशी, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। एक्चुअली मेरा हिंदी बहुत अच्छा तो है नहीं, लेकिन मैं बोलने का कोशिश कर लेती हूँ और भोजपुरी समझ भी सकती हूँ और बोल भी लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना प्यार देने के लिए सबको दिल से धन्यवाद, हेमराज जी को, पूरे ऑल ओवर टीम को, और मैं सबसे ही पहली बार मिल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं कोशिश करूँगी
अच्छे से अच्छे काम को करने के लिए, और सारे लोग मुझे मेरे ऊपर अगर बिलीव किए तो मैं इन लोगों का विश्वास को ना तोड़ूं। हेमराज जी, एक सवाल आपसे आखिरी, क्या मेकर आपके जो हैं, जो आपके प्रोड्यूसर साहब हैं तिवारी जी, क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई बंदिश की है कि भैया इसी में फिल्म पूरी करनी है, यहीं फिल्म पूरी करनी है, ऐसी ही फिल्म करनी है, या पूरी तरह से जो एक मेकर को लिबर्टी मिलनी चाहिए वो आपके मेकर ने दी? आदित्य वशोर्ग्रह विश्वदेवानाकृकंति प्रेक्षन्तु धर्मकामा सिद्धे चरिकृभ्यन्तलातेरमेशो वयेशो वरदान महेश। आदित्य वशोर्ग्रह विश्वदेवानाकृकंति प्रेक्षन्तु धर्मकामा सिद्धे। आदित्यावशूर्ग्रह विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रेक्षन्तु धर्मकामा सिद्धे चरीकृभ्यं सदातीरमिषु वर्गान् महेशः कल्याणमस्तु। आदित्यावशूर्ग्रह विश्वे देवा मरुद्गणः प्रेक्षन्तु धर्मकामा सिद्धे सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वाशादिकेषु त्र्यम्बिके गौरी नारायणी उत्तरी महामङ्गलाधिपतये नमः। इदं सिन्दूरं प्रतिनिहितां वराधिकं नमस्कृत्य नमस्कृत्यतामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे हत्या सरस्वती। हो गए पांच हो गए माता का आचरण बने ये धूप बत्ती जो है नारियल तोड़वा दी। नहीं नहीं, एक मिनट वो भैया कहाँ गए? फुल कैमरे पे चढ़ाओ। जो भैया पूजा कर रहे थे पहले वो कहाँ गए? वनस्पति शोधभूतोगमहाडुवृत्तमाद्यां धूकाराम धूपोऽयं प्रतिवेदिहतां महा धूपति शर्मादिजी बस जाइए। वनस्पति शोधभूतोगमहाडुवृत्तमाद्यां धूकाराम धूपोऽयं प्रतिवेदिहतां। Thank you.